नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में हीट वेव ने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा, मोनिका दास बनी चुनाव आयोग के स्टेट आइकन। बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया तेज, बिहार में ये पार्टी पैसे के मामले में टॉप पर। WTC फाइनल के लिए ऑस्ट्रेलिया ने किया टीम का ऐलान। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में हीट वेव ने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा। अप्रैल का महीना चल रहा है और इसी महीने में बिहार वासियों को भीषण गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है। बता दें कि बिहार में हीट वेव इतना बढ़ गया है कि उसने 13 सालों के रिकॉर्डों को तोड़ दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिन यानी कि मंगलवार को शेखपुरा में अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं अगर बिहार की राजधानी पटना की बात करें तो पटना में अधिकतम तापमान 44.1 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके साथ ही राज्य के 5 जिलों में हीट वेव रहा और राज्य के 8 जिलों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री के ऊपर रहा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौसम विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य में हीट वेव को लेकर 20 अप्रैल तक चेतावनी दी गई है। इस दौरान राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के ऊपर जा सकता है। गांधी मैदान में बदला नमाज होने का समय, सोशल मीडिया पर रहेगी विशेष नजर। नमाज इदैन कमेटी गांधी मैदान पटना के अध्यक्ष महमूद आलम और सचिव डॉक्टर मुजफ्फर नियाजी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 22 और 23 अप्रैल को बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में होने वाली नमाज के समय में बढ़ती गर्मी को देखते हुए बदलाव कर दिया गया है। बता दें कि अब नमाज सुबह 7:30 बजे से शुरू होगा, जबकि पहले यह नमाज का समय 8 बजे निर्धारित किया गया था। इसके साथ इस बार गांधी मैदान में होने वाले नमाज को लेकर सुरक्षा पर भी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। दरअसल पटना DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह व SSP राजीव मिश्रा के द्वारा बताया गया है कि ईद पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि वैसे लोग जो अफवाह फैलाने का काम करेंगे उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ इस बार सोशल मीडिया एवं व्हाट्सएप के माध्यम से संदेहास्पद सूचनाओं के आदान प्रदान पर भी विशेष नजर रखी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ईद पर अंचल, अनुमंडल व जिले के पदाधिकारी अपने क्षेत्र में मुस्तैद रहेंगे। मोनिका दास बनी चुनाव आयोग के स्टेट आइकन। बिहार की राजधानी पटना की मोनिका दास, जो देश की पहली ट्रांसजेंडर बैंकर बनने का इतिहास रच चुकी हैं, अब उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव आयोग की स्टेट आइकन बना दिया गया है। बता दें कि मोनिका दास आगामी लोकसभा और बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ट्रांसजेंडर समुदाय को मतदान के प्रति जागरूक करने का काम करेंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले वर्ष 2020 में मोनिका दास बिहार विधानसभा आम निर्वाचन में राज्य की पहली ट्रांसजेंडर पीठासीन पदाधिकारी के रूप में चुनाव करा चुकी हैं। अब वह अपनी सहभागिता आगामी लोकसभा और बिहार विधानसभा चुनाव में देने वाली हैं। इस भरे रियल एस्टेट कंपनी के एक दर्जन ठिकानों पर ED की रेड। बीते दिन यानी कि मंगलवार को देर शाम प्रवर्तन निदेशालय की टीम के द्वारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बड़े रियल एस्टेट कंपनी में से एक शुमार अग्रणी होम्स के 5 शहरों के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई। बता दें कि जिन 5 शहरों में ED के द्वारा छापेमारी की गई है उनमें बिहार की राजधानी पटना समेत दिल्ली, लखनऊ, आगरा और वाराणसी शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दौरान पटना में भी बिल्डर के 5 ठिकानों पर एक साथ देर रात तक कार्रवाई की गई, जिसमें योगीपुर, कंकड़बाग, कांटी, फैक्ट्री रोड, गोला रोड आदि जगह शामिल है। वहीं ED के द्वारा छापेमारी के दौरान फ्लैट की बिक्री के एग्रीमेंट, दस्तावेज, अकाउंट और अन्य महत्वपूर्ण कागजात खंगाले गए। इस दौरान दस्तावेजों और अकाउंट से जुड़ी कई अनियमितताएं मिली हैं। बता दें कि ED की छापेमारी आज यानी कि बुधवार को भी जारी है। 20 अप्रैल को इस जिले में रोजगार शिविर का आयोजन। अगर आप भी नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल 20 अप्रैल को बिहार के गया के अवर प्रादेशिक नियोजनालय में रोजगार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि इस रोजगार मेले में क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड की ओर से केंद्र मैनेजर के लिए 250 पदों के लिए लिखित एवं साक्षात्कार के माध्यम से बहाली की जाएगी। वहीं इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को कम से कम 12वीं पास होना अनिवार्य है और साथ ही अभ्यर्थियों के पास बाइक, स्कूटी एवं ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस एक दिवसीय रोजगार शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से शुरू किया जाएगा। मालूम हो कि यह सारी प्रक्रिया बिल्कुल निःशुल्क है। बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया तेज। बिहार सरकार की ओर से शिक्षक नियमावली 2023 जारी किए जाने के बाद शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में तेजी कर दी गई है। इसी के तहत बीते दिन अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन स्थित शिक्षा विभाग के सभागार में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सचिव के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए DEO और क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों से रिक्तियों के संदर्भ में जानकारी मांगी गई। वहीं जिन जिलों से जानकारी नहीं दी गई है उन्हें तत्काल जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। दरअसल प्रदेश के सभी जिलों से रिक्तियां
की जानकारी 20 अप्रैल तक मांगी गई थी, लेकिन बाद में इसकी तारीख को बदलकर 18 अप्रैल कर दिया गया था। ऐसे में बीते दिन रिक्तियां की जानकारी देने का अंतिम दिन था, लेकिन इस दौरान कई जिलों के द्वारा रिक्तियां की जानकारी नहीं दी गई, जिसके बाद उन्हें कुछ दिनों का और समय दिया गया है ताकि वह सचिव को जानकारी दे सके। बिहार में कोरोना के 135 नए मामले। बिहार में दिन प्रतिदिन कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। बता दें कि बीते दिन राज्य में कोरोना के 135 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद अब पूरे प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 608 हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिन मिले 135 नए मामले में बिहार की राजधानी पटना से अकेले 66 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब पटना में एक्टिव केसों की संख्या 282 हो गई है। वहीं पटना के अलावा बाकी मामले बेगूसराय से 3, भागलपुर से 8, दरभंगा से 4, पूर्वी चंपारण से 3, गया से 10, गोपालगंज, कैमूर, खगड़िया, मधुबनी, नालंदा, नवादा, सारण, रोहतास, शिवहर और पश्चिम चंपारण से 1-1, मधेपुरा से 2, मुजफ्फरपुर से 9, पूर्णिया से 13 और सहरसा से 6 मरीज सामने आए हैं। वहीं अगर पूरे देश की बात करें तो देश से बीते 24 घंटे में कोरोना के कुल 10,542 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद सक्रिय मामलों का आंकड़ा बढ़कर 63,562 पर पहुंच गया है। केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 में दाखिले को लॉटरी कल। राज्य भर के केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 में दाखिले के लिए लॉटरी कल यानी कि 20 अप्रैल को निकाली जाएगी। बता दें केवीएस के द्वारा देश भर के सभी क्षेत्रीय स्कूलों के लिए लॉटरी निकालने की अलग अलग तिथि जारी की गई है, जिसके तहत बिहार के लिए 20 अप्रैल निर्धारित किया गया है। बता दें कि लॉटरी निकालने का यह काम कल दोपहर 2 बजे शुरू किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार ऑनलाइन नामांकन की सारी प्रक्रिया IIT मुंबई के द्वारा पूरी की जाएगी। वहीं आपको मालूम हो कि KVS में कक्षा 1 में नामांकन लेने के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु 6 से 8 वर्ष होनी चाहिए। बिहार में ये पार्टी पैसे के मामले में टॉपर। अगर हम बिहार के 4 प्रमुख पार्टियों की आर्थिक स्थिति की बात करें तो जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा धन है वह पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की JDU पार्टी है। बता दें कि मेरी जानकारी के अनुसार JDU की ओर से जनवरी 2022 के खीरी हफ्ते में स्वैच्छिक सहयोग राशि संग्रह अभियान शुरू किया गया था, जिससे उसके पास 71 करोड़ रुपए आए थे। हालांकि पार्टी की ओर से इसको लेकर कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। वहीं अगर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी BJP की बात करें तो BJP की प्रदेश इकाई के खाते में केवल 51 लाख रुपए है। इसके अलावा बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक परिवार और सबसे बड़ी पार्टी राजद के पास सिर्फ 1 करोड़ सदस्यों के मेंबरशिप का 10-10 रुपया खाते में है। वहीं बिहार कांग्रेस का 1.55 करोड़ बैंक में फिक्स है। मोतिहारी में 6 नए थानेदारों की हुई पोस्टिंग। बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब कांड को लेकर SP कांतेश कुमार मिश्र के द्वारा बेहतर कार्य क्षमता वाले 6 पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्टिंग की गई है। बता दें कि जिन 6 नए थानेदारों की पोस्टिंग की गई है उनमें विक्रांत सिंह को हरसिद्धि के नए थानेदार के रूप में चुना गया है, तो वहीं धनंजय शर्मा को सुगौली के नए थानेदार के रूप में, अमरेश कुमार को पहाड़पुर के नए थानेदार के रूप में, संदीप कुमार दो को रघुनाथपुर OP थानेदार के रूप में, अनिल कुमार को तुरकौलिया के नए थानेदार के रूप में और अमित कुमार को जितना थाना के नए थानेदार के रूप में चुना गया है। बता दें कि जहरीली शराब कांड को लेकर इन स्थानों के थानेदार को निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद थानेदार के रिक्त पद पर कार्यक्षमता को देखते हुए नई पोस्टिंग की गई है। तेज प्रताप यादव को मिली धमकी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार में वन पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री तेज प्रताप यादव आए दिन अपनी किसी न किसी बातों को लेकर चर्चा में बने होते हैं। ऐसे ही एक बार फिर से वे चर्चा में आ गए हैं, लेकिन इस बार वे अपनी किसी अनोखी बात को लेकर चर्चा में नहीं आए हैं, बल्कि इस बार उनके चर्चा में आने की वजह उन्हें फोन पर धमकी मिलनी है। दरअसल औरंगाबाद में शहर के कामा बिघा मोड़ के समीप तेज प्रताप यादव की बाइक की एजेंसी है, जिसमें 17 अप्रैल को 6 की संख्या में रहे कुछ युवकों के द्वारा तोड़फोड़ की गई और फिर तेज प्रताप यादव को फोन कर केस न दर्ज कराने की धमकी दी गई। हालांकि इस धमकी भरे कॉल को लेकर और सो रूम में तोड़फोड़ करने को लेकर थाने में शिकायत दर्ज करवा दी जा चुकी है। वहीं एक बार फिर बीते दिन तेज प्रताप यादव को धमकी भरी कॉल आई है। बता दें कि 2 अज्ञात नंबर से कॉल कर धमकी औरंगाबाद से दी जा रही है। इस मामले को लेकर शोरूम के केयर टेकर अजय यादविंदु की ओर से बताया गया है कि 17 अप्रैल की सुबह एक महिला अपने पिता के साथ अपनी स्कूटी की सर्विसिंग करवाने समय से पहले ही एजेंसी में पहुंच गई, तुरंत सर्विसिंग का दबाव बनाने लगी और फिर सर्विस सेंटर खोलने के बाद अपनी स्कूटी की सर्विसिंग कराकर चली गई, लेकिन कुछ देर बाद उस महिला से जुड़े कुछ युवक आए और उनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया।
कांग्रेस के इफ्तार पार्टी आज इन दिनों राज्य में रमजान को लेकर सभी पार्टियों के द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन करवाया जा रहा है। ऐसे में आज कांग्रेस के द्वारा भी इफ्तार पार्टी का आयोजन करवाया गया है। बता दें कांग्रेस की ओर से दावत इफ्तार का आयोजन पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह की ओर से महागठबंधन के सभी शीर्ष नेताओं और सभी मंत्रियों को भी निमंत्रण भेजा गया है। बता दें कि आज होने वाले इस दावत इफ्तार में ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी शामिल हो सकते हैं। वहीं यह भी संभावना जताई जा रही है कि अगर वो आज इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं तो शायद इस दौरान कैबिनेट में जगह देने की बात पर भी चर्चा की जा सकती है। बिहार में यहाँ से शुरू होगा भाजपा का सूफी संवाद। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों से लगी हुई है। इसी के तहत बीजेपी भी अपनी पहुंच मुस्लिम समुदाय तक बना सके, इसके लिए ईद के बाद बीजेपी के द्वारा सूफी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बता दें कि इस कार्यक्रम की शुरुआत बिहार के सीमांचल के जिलों किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया से की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी के द्वारा इस कार्यक्रम को इसलिए करवाया जा रहा है ताकि वे मुस्लिम के बीच जाकर यह बता सके कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा बिना जाति पंथ या समुदाय को देखे बिना कामों को किया गया है। मालूम हो कि इसकी जिम्मेदारी पार्टी का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के द्वारा संभाला जा रहा है। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी की ओर से 150 गैर राजनीतिक लोगों को एक टीम बनाई गई है। WTC फाइनल के लिए ऑस्ट्रेलिया ने किया टीम का ऐलान। भारत के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल व एसएस सीरीज के पहले दो टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की ओर से आज यानी कि बुधवार को टीम का ऐलान कर दिया गया है। बता दें कि जिन खिलाड़ियों का चयन भारत के खिलाफ किया गया है उनमें पैट कमिंस कप्तान, वहीं इसके अलावा स्कॉट बोलर, एलेक्स कैरी, कैमरन ग्रीन, मार्क्स हैरिस, जोस हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोस इंग्लिश, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुसेन, नाथन लियोन, मिचेल मार्स, टॉड मर्फी, मैथ्यू रेंसो, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क और डेविड वार्नर के नाम शामिल है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक लांस मॉडस्पीड की चोट के कारण बाहर हो गए हैं। माइकल नेसेर को भी नजरअंदाज किया गया है और साथ ही भारत का दौरा करने वाले एस्टन आगर, पीटर हैंडस्कोब, माइकल नेसेर को भी नजरअंदाज किया गया है और साथ ही भारत का दौरा करने वाले एस्टन आगर, पीटर हैंडस्कोम, मिचेल स्वेप्सन और मैट कुहनेमन को भी शामिल नहीं किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच WTC फाइनल मुकाबला द ओवल में 7 जून को खेला जाएगा। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी बुधवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल कीमत 108.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सलमान अली, प्रतीक आनंद, सुशील कुमार, बिट्टू कुमार राज, रंजीत मिश्रा, रवि कुमार राम, कुश कुमार यादव, मुटू रंगीला, नुन्नू गोलू कुमार, कन्हैया कुमार, शंकर मुखिया, मोहम्मद सकीर हुसैन, सुरेश ओरम, अनवर करीम खान, अंशु प्रिया। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए सरकार के द्वारा और क्या क्या किया जाना चाहिए। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।